कुछ आज आपके साथ ऐसे हैक्स लेके आई हूँ, ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपको मॉनसून सीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि पर्सनली हमें ज्यादातर जरूरत मॉनसून सीजन में ही होती है। हम अपनी स्किन को कम टाइम पे हम उसका अच्छे से अच्छा उसका स्किन केयर कर पाए और हमें ज्यादा इसके पीछे टाइम भी ना देना पड़े और हमारी स्किन क्लीन रहे, हेल्दी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप DIY चीजों में बिजी करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटी पे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ऐसे हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है, स्पेशली मॉनसून सीजन के लिए। तो सबसे पहला टिप है, यहाँ पे आपको यूज करना है सनस्क्रीन। आप सनस्क्रीन को एवरी डे यूज करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सनलाइट नहीं होती है तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। सनस्क्रीन की हमें बहुत जरूरत होती है मॉनसून सीजन में। तो आप भी जेल बेस आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मामा अर्थ का ये सनस्क्रीन है ना, मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये मैं यूज कर रही हूँ और मुझे पता है कि ये आपको जरा भी आपकी स्किन में व्हाइट स्कार नहीं छोड़ेगा, आपकी स्किन में आपको स्वेटिंग्स भी नहीं होगा और आपको ज्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। अगर आप कोई भी यूज करते हो और अदर ब्रांड का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। तो टिप नंबर टू, तो यहाँ पे आप जब सनस्क्रीन लगा लेते हो तो उससे पहले आपको टोनर लगाना बहुत जरूरी है। आप जब फेस वॉश करो उसके बाद आपको टोनर लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पोर्स ओपन हो चुके हैं, जहां से हमें बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है, तो वहां पे आपको आपके पोर्स को क्लोज करना जरूरी है। तो वहां पे आपको कोई भी आपको अच्छे ब्रांड का आपको टोनर यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है प्लम का राइस वाटर टोनर, तो ये टोनर भी अच्छा है, लेकिन आपकी स्किन ऑयली है तो आप टी ट्री वाला भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपके ऑयल को कंट्रोल करे उस टाइप का आपको यहाँ पे टोनर यूज करना है। टिप नंबर थ्री, आप ध्यान रखें कि आप अपने डेली रूटीन में ज्यादा ऑयली फूड ना खाए। आई नो मॉनसून सीजन में हमें थोड़ा सा तला हुआ ज्यादा खाने का मन करने लगता है, जब रिमझिम बारिश होती है तो उसके साथ चाय के साथ पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पकौड़े हमारे स्किन पे भी इफेक्ट करते हैं, तो वो फिर कैसा लगेगा कि जो ऑयल आपके पकौड़े पे है ना, वो स्किन के ऊपर भी आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप पकौड़ा खा रहे हो ना, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि दूसरे दिन यही ऑयल आपके फेस पे आने वाला है, वो चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। टिप नंबर फोर, आप ऑफिस में जाते हो, डेली आपको ऑफिस जाना रहता है, तो वहां पे आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप बार बार फेस वॉश करो, तो वहां पे आप ऐसा क्या करो कि आपका फेस ड्राई रहे, ऑयल फ्री रहे। तो एक आपके साथ हैक शेयर करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके साथ ब्लॉटिंग पेपर रखना है। तो ब्लॉटिंग पेपर तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो एक और सजेशन दूंगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको टिश्यू पेपर लेना है। तो इस टाइप के टिश्यू पेपर तो ऑलमोस्ट सबके घर में रहेंगे, तो इसको क्या करना है, आपको इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है, ज्यादा छोटे पीस नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको इजीली अपने फेस पे लगा सको इस टाइप से। तो यहाँ पे ये इसको हम बीच में कट कर लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे इसको कट कर लेना है, ताकि हम इसको अपने पर्स में इजीली कैरी कर पाए। बस यहाँ पे जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा ऑयल लग रहा है, तो बस वहां पे ऐसे ऐसे करके आपको डैब करना है। तो ये बस टिश्यू पेपर अपने साथ रखिए और इस तरह से ऐसे ऐसे करके आपको डैब डैब करके पूरा ऑयल आपके स्किन का इसके अंदर आ जाना चाहिए, तो एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको वापस ड्राई फील होगा। तो फिर कोई भी अच्छा ऑयल कंट्रोल वाला कॉम्पैक्ट आता है तो उसको आप लगा सकते हो, टचअप कर सकते हो, तो फिर वापस आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, तो आपको बार बार फेस वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये है बहुत ही हेल्पफुल है, आप जरूर ट्राई करेगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा फिफ्थ टिप, आप वर्किंग नहीं हो, आप घर पे रहते हो, तो आप ये एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि दिन में 3 से 4 बार आप अपने फेस को वॉश करिए। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फेस वॉश के टाइम ऑलवेज क्लींजर या फेस वॉश आप जो रहता है उसको यूज करो, आप नेचुरल फेस वॉश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर नेचुरल DIY फेस वॉश भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये नेचुरल फेस वॉश मैंने बनाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट से मिल जाएगा, तो वहां से ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस तरह का आप कोई भी नेचुरल फेस वॉश भी बना सकते हैं, तो आप उसे बार बार फेस वॉश करोगे तो वो हार्म नहीं होगा। लेकिन केमिकल वाला फेस वॉश अगर आप यूज करते हो, क्लींजर यूज करते हो, तो वो फिर आपको दिन में सिर्फ 2 बार यूज करना पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ वॉटर से आपके फेस को
क्लीन करना है ताकि जो आपका एक्सेस जो ऑयल आ चुका है वो इजीली रिमूव हो जाए। तो ये आप हैक्स जरूर ट्राई करेगा और ये टिप आपको बहुत हेल्प करने वाली है। फिर बाद हमारा नेक्स्ट टिप है, यहाँ पे आप जब भी मेकअप यूज करो तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि आप बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज करो, बहुत ही आप लेयरिंग करोगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो वहां पे आपको ऐसा मेकअप करना चाहिए जो हमारे मेकअप को वॉश आउट ना करे, मतलब आपको वहां पे वाटर बेस्ड आपको मेकअप यूज करना है अगर आपको मेकअप करने की जरूरत रहती है तो, वरना फिर आप ये चीज का ध्यान रखें कि वहां पे सिर्फ आप कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम आप लाइट मेकअप यूज कर सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा कुछ लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि अगर आप बहुत लेयरिंग करोगे तो वहां पे फिर आपको वाटर बेस्ड आपको मेकअप यूज करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको नॉर्मल मेकअप नहीं चलेगा। लेकिन आपको ज्यादा लेयरिंग नहीं करनी है और वहां पे करोगे तो फिर क्या होता है कि जो मानसून में एक तो ह्यूमिड ज्यादा रहता है तो वहां पे आपको आपकी स्किन में जेल अटैक ज्यादा रहने लगता है, तो वहां पे आपको फिर पिंपल्स एक्ने वगैरह वो सब चीजें आपकी स्किन में आने लगेगी और आपको फिर आपकी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए, तो जरूरत ना हो तो बहुत कम मेकअप रखिए अपने फेस पे, तो ये टिप आप जरूर फॉलो करिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टिप है, यहाँ पे आप नाइट में अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करिए क्योंकि नाइट में हमारी बॉडी मोड रिपेयर मोड में रहती है, तो वहां पे आपकी स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से आप कोई भी अच्छा नाइट क्रीम यूज करिए या फिर अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करिए। तो यहाँ पे अगर आपकी एज 30 से अप है तो कोई अच्छा नाइट क्रीम यूज करिए, अगर आप टीन एज में हो और आपकी स्किन में ऑयल बहुत रहता है तो आप उस हिसाब से आप बहुत मार्केट में अवेलेबल है ऑयली स्किन के लिए नाइट क्रीम नाइट जेल वगैरह, तो आप वो अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी स्किन में भी उसका अच्छा इफेक्ट दिखे। तो यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे ये थे सब मॉनसून स्पेशल ब्यूटी हैक्स, स्किन केयर हैक्स, और ये सारे हैक्स आप जरूर ट्राई करिएगा। और इनमें से आपको कौन सा हैक आपको पता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इनमें से कौन सा हैक आपको पसंद आया वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।